और यहाँ पे आपको दिखेगा लंबा सा बैम्बू, जो कि बैम्बू के ऊपर ये रोल आउट की गई है। पूरी फिनिशिंग प्रोडक्ट है, कहीं भी उबड़ खाबड़ आपको देखने को नहीं मिलेगा। खैर इसके बारे में आगे और बात करेंगे, फिलहाल इसको हम रखते हैं। तो काफ़ी सारे जो है यूनिक ब्रांड्स जो जिसपे वो डील करते हैं, वो सारी पैकेजिंग जो है वो भेजे हुए हैं, जिसमें से काफ़ी सारे बॉक्सेस के मेरे ख्याल से ज़्यादातर इसमें प्रोडक्ट दिखेंगे। इसमें से ये है केशर चंदन कि इतने सारे प्रोडक्ट्स उन्होंने भेजे हुए हैं, और सबसे अच्छा तो मुझे ये साबुन लग रहा है, क्योंकि अगरबत्ती में साबुन का क्या काम भाई। तो ये देखते हैं अपन, काफ़ी नाम भी इसका सुना हुआ था जो। सोलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। और जो है आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे। दरअसल बात ये है कि एक जो हमारे मित्र हैं, मित्र बोलो, सखा बोलो, या फिर दोस्त बोलो, जो भी बोलो आप, सो फिर उनके द्वारा कुछ ऐसे गिफ्ट्स, मैं बोलूँ गिफ्ट बोलूँ या पैकेट बोलूँ या प्रोडक्ट बोलूँ, जो भी बोलूँ, वो भेजे हुए हैं। और इसी का जो है आज एक छोटे से इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करेंगे कि इस इनके द्वारा भेजे गए जो बॉक्सेस हैं, या फिर ये आप बड़ी सी जो देख रहे हो, शायद कई लोग आप जान ही गए होंगे कि क्या है ये। सो इसी का जो है आज के इस वीडियो में बात करेंगे, और आगे का जो पूरा प्रोसेस होगा वो वीडियोस में आप देखते जाइए, चीज़ें आपको पता लगते जाएंगी। शायद मेरे को भी चीज़ों के बारे में पता नहीं है, और बात करते हैं वीडियो में, सारी चीज़ें आपको भी पता लगेंगी। जैसे बॉक्स खोलेंगे मेरे को भी कुछ चीज़ें जो है पता लगेंगी। और आगे वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अगरबत्ती बिजनेस से रिलेटेड ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल के थ्रू आपको मिलती रहेंगी। तो फिर जैसे कि अभी मैंने वीडियोज़ में आपको बताई कि एक हमारे जो मित्र हैं, उन्होंने जो है कुछ चीज़ें गिफ्ट या फिर प्रोडक्ट जो भी है, इसको अनबॉक्सिंग करने के बाद ही जो है पता लगेगी। सो फिर अच्छे हमारे जो है मित्र हैं मैं बोलूँ तो, और उनका भी काम जो है अगरबत्ती से रिलेटेड, अगरबत्ती प्रोडक्ट या फाइन प्रोडक्ट जो है, या पैकेजिंग या ब्रांड के बेस में जो है, उनकी एजेंसी से इसमें लिखी भी हुई है कि मैं बोलूँ तो ये है महाराजा एजेंसीज, जो कि रायगढ़, जो हमारे छत्तीसगढ़ के रायगढ़ एक जिला है, वहाँ के रहने वाले हैं, और खरसिया में इनकी एजेंसीज है। एजेंसीज मीन्स कुछ ऐसे जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे साइकिल हो गया, जेड हो गया, बालाजी प्रोडक्ट्स हो गए, या फिर बैंगलोर के और काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आप जानते होंगे, उनके बेसिस में काफ़ी सारे प्रोडक्ट को एजेंसीज, मतलब उनके प्रोडक्ट को ये सेल आउट करते हैं, होलसेलर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, जो भी है। सो फिर उनके द्वारा भेजे गए जो प्रोडक्ट हैं उसको देखते हैं। और सबसे पहले जो है हम जो है देखते हैं ये बिग साइज़ की जो है अगरबत्ती। जैसा कि आप जानते होंगे, काफ़ी सारे लोग जो है नए होंगे, अनुभवी व्यक्ति नहीं होंगे, उनको मालूम नहीं होगी कि इतनी बड़ी अगरबत्तियाँ भी बनती हैं। सो फिर आप नहीं देखे होंगे तो आज के इस वीडियो में आप देख लीजिए। ये है मेटालिक, और मेटालिक 5 फीट की, मतलब 5 फीट की अगरबत्ती। और ये जो कंपनी है, इसमें बिग बेल इंसेंस करके एक ब्रांड है, उसका जो है ये जो है 5 फीट की अगरबत्ती है। कुछ इस तरीके की ग्रीन बॉक्सेस में आपको दिखने को मिलेगा, और इसमें जो है फ्रैग्रेंस लिखा हुआ है कच्चा मेला। और इसी तरीके से जो है हम यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं, तो कुछ इस तरीके से ये खुलते जाएगा, कुछ गोल्डन वर्क आपको दिखने को मिलेंगे शायद, और कैमरा में शायद दिख भी रहा होगा आपको। तो फिर ये हो गया भैया हमारा, सो ये कुछ इस तरीके से ओपन हो गई अगरबत्ती। पॉलीथीन्स की इसमें लैपिंग अभी कोटिंग की हुई, ताकि डैमेज या भी फ्रैगनेंस लेस ना हो। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो ये बैम्बू से ही बनी हुई है, और काफ़ी दिलचस्प बात ये है कि इसको बनाया किस तरीके से जाता होगा, इसके बारे में भी मैं आगे आपको बताऊँगा। फिलहाल एक स्माइल इसकी देखते हैं, थोड़ा सा मैं इसका कोटिंग जो है पॉलीथीन की रैपर जो है वो भी खोलने की कोशिश करता हूँ यहाँ से। सो यहाँ से जो है थोड़ा रैपर हमने खोला, और स्माइल काफ़ी अच्छी आ रही है इसकी। और ये है बेला, बेला मोगरा जिसको बोला जाता है,
और यहाँ पे एक होल आपको देखने को मिलेगा, शायद कैमरा आपको दिखेगा, लंबा सा बैम्बू जो कि बैम्बू के ऊपर ये रोल आउट की गई है। पूरी फिनिशिंग प्रोडक्ट है, कहीं भी उबड़ खाबड़ आपको देखने को नहीं मिलेगा। खैर इसके बारे में आगे और बात करेंगे, फिलहाल इसको हम रखते हैं साइड में, जो कि एक प्रोडक्ट हमने देख लिया। अब आगे जो है बॉक्स खोलते हैं, इसमें क्या चीज़ें मिलेंगी ये भी ज़रा जान लेते हैं। सो फिर यहाँ से हो गया हमारा ये सारी चीज़ें ओपन, और ये कटर जो है हम रखते हैं साइड में। कुछ इस तरीके से काफ़ी सारे अलग अलग ब्रांड के प्रोडक्ट इसमें हैं। सो फिर यहाँ से पैकिंग जो है खोलना चालू करते हैं। तो ये हम कुछ पैकिंग सबसे पहले ले लेते हैं। सो इसमें कुछ इस तरीके की पैकेट आपको देखने को मिलेंगी। सो ये है केसर चंदन, जो कि है श्रीधन फ्रैग्रेंस, बेंगलोर की ये प्रोडक्ट है इनकी। तो ये हो गया, और देन पहले खाली ही कर लेते हैं सारी चीज़ें जो है। यहाँ पे काफ़ी सारे बॉक्सेस निकल रहे हैं, और फिर बॉक्सेस है, फिर मैं एक एक करके आपको प्रोडक्ट के बारे में बताते जाऊँगा। सारे प्रोडक्ट्स उन्होंने भेजे हुए हैं, और सबसे अच्छा तो मुझे ये साबुन लग रहा है, क्योंकि अगरबत्ती में साबुन का क्या काम भाई। तो ये देखते हैं अपन, काफ़ी नाम भी इसका सुना हुआ था। सो फिर ओवरऑल कुछ इस तरीके का जो है प्रोडक्ट था, सबसे यूनिक मैं बोलूं तो सारे यूनिक थे, क्योंकि ये सारे जो है उनके सेलेक्टेड प्रोडक्ट थे। और मेरे को खाली ये चेक करना था कि कौन कौन से ब्रांड्स क्या क्या फ्रैग्रेंस जो है अपने ब्रांड्स में यूज़ करती हैं, और देन अभी तो काफ़ी एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, क्योंकि सब पैकेजिंग में है और सबको खोल के देखना पॉसिबल नहीं है। फिलहाल सबसे अच्छा मैं बोलूँ तो एक ये भी रहा, जो कि मेरे को काफ़ी यूनिक लगा, और इसके बारे में आगे मैं बताऊँगा आपको, काफ़ी लंबी स्टिक्स है। और सेकंड है ये हमारा सोप, जो कि सोप के बारे में उन्होंने पहले भी बताया था कि काफ़ी अच्छा ये सोप होता है, और स्मॉल इंस की काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ये रहती है, जितना एक नॉर्मल में ब्रांड्स परफ्यूम्स डियोज होती हैं उससे भी कई ज़्यादा, कई टाइम मतलब घंटे तक ये स्मेल करती हैं बॉडी के ऊपर। सो इसका भी देखेंगे, नहा के देखने पर ही पता लगेंगी। सो कुछ इस तरीके से जो है ये प्रोडक्ट्स थे। कभी टाइम मिलेगा तो इनके रिव्यूज़ में आपको जो प्रोडक्ट्स अच्छे रहेंगे उसका मैं आपको बता दूंगा। दूसरी चीज़, अगर फ्रैग्रेंस के बेस में आपको डीप नॉलेज या फिर कुछ बेसिक फ्रैग्रेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, सो आप मेरे को फ़ोन ना कीजिएगा, जो मित्र हैं हमारे जो भेजे हैं प्रोडक्ट्स उनको आप फ़ोन कीजिएगा, और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स होंगी, जैसे कि आपको कुछ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी, या फिर मैं बोलूँ तो अगरबत्ती बिजनेस से रिलेटेड जितने भी इंक्वायरीज होंगी, आप उसको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और ये प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल जान सकते हैं। जैसे कि इनका काफ़ी सारे एजेंसीज का काम है, तो काफ़ी सारे ब्रांड्स के प्रोडक्ट ये बेचते हैं। सो ये काफ़ी सारे जो चीज़ें हैं ये उनसे आप परचेज भी कर सकते हैं, और आप अगर छत्तीसगढ़ से हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है, आप उनको बिल्कुल कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जेन्युइन पर्सन है, और फ्रैग्रेंस के बेस में काफ़ी डीप नॉलेज है उनको, और नीचे मैं डिस्क्रिप्शन पे उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, महाराज एजेंसीज खरसिया रायगढ़। आप वहाँ पे विजिट कर, मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है नंबर लेके आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आने वाले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।